बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसे पेच के बीच बुधवार को बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे की उपस्थिति में लोजपा रामविलास गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मिलकर सीट बंटवारे को लेकर बैठक की। इस बैठक में लोजपा चिराग गुट को हाजीपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया और नवादा सीट देने पर सहमति बनी है। चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद एक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि एनडीए के सदस्य के रूप में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी के साथ बैठक में हमने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। उचित समय आने पर इसकी सूचना भी दे दी जाएगी। मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है, वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं है। बता दें कि वर्तमान में जमुई से चिराग सांसद है, जबकि हाजीपुर लोजपा प्रमुख और दिवंगत रामविलास पासवान की परंपरागत सीट मानी जाती है। बीते चुनाव में पासवान के भाई पशुपति इस सीट से जीते और बीते चुनाव में पासवान की जगह इस सीट से मंत्री बने। अब पशुपति को मनाने के लिए पार्टी ने केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के सामने लोकसभा चुनाव के बाद राज्यपाल बनाने और उनके भतीजे और सांसद प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा है। सीट बंटवारे की गुत्थी उलझने के पीछे एक बड़ा कारण जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। उन्होंने भाजपा के सामने जमुई सीट पर दावा पेश किया है, जहाँ से चिराग पासवान सांसद है। दरअसल नीतीश चाहते हैं कि सीट बंटवारे में चिराग की जगह पशुपति पारस को वरीयता मिले, लेकिन इस समय भाजपा की सहानुभूति चिराग तो जदयू की सहानुभूति पशुपति के साथ है। जदयू चिराग को किनारे करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है, तो दूसरी ओर भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि राज्य में पासवान की स्वजातीय बिरादरी पशुपति की जगह चिराग के साथ खड़ी है। पार्टी ने कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एक सीट देने का प्रस्ताव रखा है। देखना यह दिलचस्प होगा कि इस फॉर्मूले पर भाजपा राज्य में आम सहमति बना पाती है या नहीं। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।